लियोनार्डो दा विंची वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनफैक्ट अगर उनकी लाइफ को आप बारीकी से स्टडी करोगे तो कभी आपको लगेगा ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट हु वाज पैशनेट अबाउट साइंस, और कभी आपको लगेगा कि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु वाज पैशनेट अबाउट आर्ट। अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ मोनालिसा पेंटिंग। दोस्तों आखिर मोनालिसा पेंटिंग इतनी महंगी और इतनी रहस्यमय पेंटिंग क्यों है? ये वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है आज की डेट में, और ये सिर्फ सबसे फेमस पेंटिंग ही नहीं है पूरी दुनिया की, ये सबसे महंगी पेंटिंग भी है। आए चले मेरे साथ, मैं आज आपको इसके फैक्ट्स बताऊंगी। फैक्ट नंबर वन, इस पेंटिंग को इटली के शहर में रहने वाले लियोनार्डो दे विंसी ने इस पेंटिंग को लकड़ी के चिंगार पर बनाया था और ऑयल पेंटिंग से बनाया था। ऑयल पेंटिंग से इस तरह सिपाही से बनाया था कि इस पेंटिंग पे एक भी ब्रश का निशान नहीं है। जो ब्रश यूज हुआ है इस पेंटिंग को बनाने के लिए वो इतना पतला है ऑलमोस्ट जितना कि हमारा एक बाल पतला होता है, यानी कि हमको उसमें ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी नजर नहीं आएंगे, इतने फाइन यूज करे हुए हैं। फैक्ट नंबर टू, ये पेंटिंग सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक है और इस पेंटिंग के मुतालिक ये कहा जाता है कि 500 साल से ज्यादा पुरानी है। फैक्ट नंबर थ्री, ये कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो इस पेंटिंग को 6 दफ़ा इधर से उधर भेजा गया था, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था ताकि ये दूसरे लोगों के हाथ ना लग जाए। फैक्ट नंबर फोर, एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के स्कैन के बाद ये दावा किया गया कि मोनालिसा पेंटिंग 83% हैप्पी है, 9% सैड है, 6% डरी भी और 2% हैप्पी है। अब इतनी महंगी पेंटिंग में कुछ ना कुछ नहीं बहुत सारे राज छुपे हैं। फैक्ट नंबर फाइव, लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को पूरा नहीं बनाया था, इस पेंटिंग को पूरा करने से पहले ही उनकी वफात हो गई थी, 1915 को वो फौत हो गए थे। कहा जाता है कि उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इस पेंटिंग को पूरा किया था लेकिन फिर भी ये पेंटिंग अब तक अधूरी है। फैक्ट नंबर सिक्स, ये पेंटिंग 1503 में शुरू की गई थी और 1517 में मुकम्मल हुई थी, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची को सिर्फ इसके होल्ड बनाने में 12 साल लग गए थे। फैक्ट नंबर सेवन, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि इस पेंटिंग को ना ही कपड़े के टुकड़े में बनाया गया था ना ही कागज पे, को एक स्पेशल किस्म की लकड़ी पे बनाया गया था, और जरूर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि ये लड़की है कौन। अक्सर कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को ही इस तस्वीर में छुपा रखा है एक लड़की के रूप में, तभी तो इतने साल लग गए। फैक्ट नंबर एट, इस पेंटिंग को आप जितनी बार देखेंगे इतनी बार इसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे, पहले ये मुस्कुराती हुई नजर आएगी, फिर थोड़ी सी गुसीली में, और फिर आप लोगों को थोड़ी सी सैड में नजर आएगी। फैक्ट नंबर नाइन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी फैक्ट है और बहुत अमेजिंग फैक्ट है, मोनालिसा की पेंटिंग जो उनके हाथ है राइट हैंड पर एक खुफिया मैसेज लिखा हुआ है, वो भी इटालियन लैंग्वेज में। इसके राइट हैंड पर लिखा हुआ था लारिस पोस्टर सी ट्रोवा क्वी। आप पता नहीं मैंने सही पढ़ा या नहीं, अगर इटली वाले मुझे सुन रहे हैं खुदा ना खास्ता तो मैंने आपकी लैंग्वेज की तोहीन कर दी है, आई एम सॉरी। और इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट्स और वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।